गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिशा हिंदी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में कारक विभक्तियों को किस तरह पहचाना जाता है, इस वीडियो में जानेंगे। कारक, कारक का परिभाषा यह है कि वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों जैसे कि विशेषतः क्रिया से संबंध बताने वाले शब्द रूप को कारक कहते हैं। कारक विभक्तियाँ, विभक्ति यानी विभक्ति का परिभाषा यह है कि वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम को कर्ता कर्म आदि में विभक्त करने वाले शब्द चिन्ह को ही विभक्त कहते हैं, विभक्ति कहते हैं। विभक्ति का अर्थ क्या है? संज्ञा या सर्वनाम को कर्ता या कर्म आदि में विभक्त करने वाले शब्दों को ही कारक विभक्ति कहते हैं। इस वीडियो में अंत में जरूर देखिएगा कि कारक विभक्तियों को किस तरह याद किया जाता है, मैं बताऊंगी। पहला कारक है कर्ता कारक। कारक विभक्ति, कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। उसमें से पहला जो है कर्ता कारक। कर्ता कारक यानि क्रिया के करने वाले का बोध होता है, क्रिया के करने वाले का बोध होता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। उदाहरण के लिए, मोहन ने पुस्तक पढ़ी। पुस्तक किसने पढ़ी? मोहन ने। मतलब यहाँ पर हम किसके बारे में वर्णन कर रहे हैं? मोहन के बारे में। तब हमने कौन सा विभक्ति का उपयोग किया है? ने। तब वो क्या होता है? कर्ता कारक। ने कौन सा विभक्ति है? कर्ता विभक्ति। दूसरा है कर्म कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है, क्रिया का फल पड़ता है या कर्ता को जो इष्ट हो वह कर्म कारक कहते हैं। उदाहरण के लिए, कृष्णा पुस्तक पढ़ता है। कौन पढ़ रहा है पुस्तक? कृष्णा पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। मतलब कृष्णा पुस्तक पढ़ रहा है। या सीता ने राधा को मारा। उदाहरण के लिए, सीता ने किसे मारा? राधा को। मतलब सीता का क्रिया किस पर हो रहा है? राधा पर। तो यह क्या हो गया? कर्म कारक को विभक्ति। कर्म कारक का विभक्ति क्या है? को। तीसरा है करण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध होता है, मतलब क्रिया किस तरह हुआ, किस साधन के सहायता से हुआ, वह करण कारक कहलाता है। जैसे कि सीता ने राधा को लकड़ी से मारा। तो यहाँ पर लकड़ी से वह क्या हो गया? करण कारक। करण कारक का विभक्ति क्या है? से। चौथा है संप्रदान कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिस कुछ दिया जाए, किसी को कुछ दिया जाए या कर्ता द्वारा कुछ किया जाए या संप्रदान कारक उसे कहते हैं। उदाहरण के लिए, सीता ने राधा को पुस्तक दी या पेन दिया, धन दिया, कुछ भी हो। तो यहाँ पर क्या किया गया है? किसी को हम कुछ देना या किसी के लिए कुछ करना, तो वहाँ पर क्या होता है? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक के विभक्तियाँ होते हैं को के लिए। अपादान कारक यह होता है कि कोई वस्तु संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होता है या निकल जाता है या डरने का भाव बताता है या सीखने का या तुलना करने में आदि भावों का बोध होता है, तो उसे क्या कहते हैं? अपादान कारक। अपादान कारक के विभक्ति है से। यहाँ पर बच्चा छत से गिरा। बच्चा कहाँ से गिरा? छत से। मतलब छत से बच्चा अलग हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है? अपादान कारक। सिक्स्थ वन संबंध कारक। संबंध बताता है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध या अन्य वस्तुओं या व्यक्तियों से जाना जाए, उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे कि यह राम की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है यह? राम की। मतलब राम की पुस्तक से संबंध बताया है, तो वह क्या होता है? संबंध कारक। संबंध कारक के विभक्तियाँ हैं का, की, के, रा, री, रे। सातवां है अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार या स्थान या समय तथा अवसर आदि का बोध कराए, वह क्या होता है? अधिकरण कारक कहते हैं। उदाहरण के लिए है, बच्चे कहाँ पर कूद रहे हैं? छत पर। मतलब
वहाँ पर स्थान बता रहा है, यहाँ पर क्या बता रहा है, स्थान के बारे में बोध हो रहा है, तो वह क्या हो जाता है, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक के कारक विभक्ति है में और पर, में पर, में पर अधिकरण कारक के विभक्तियाँ हैं। अंतिम वाला जो है आठवां, संबोधन कारक। संबोधन मतलब बुलाना, किसी को नाम से बुलाना या किसी शब्द से संबोधन करना। संज्ञा सर्वनाम, जिस रूप से किसी को पुकारा या संबोधित किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे कि अरे इधर आओ, अजी यहाँ पर आओ, इस तरह के शब्द। अरे राम यह क्या अनर्थ कर दिया, मतलब अरे हम किससे संबोधन कर रहे हैं, राम को, अरे से, तो यहाँ पर क्या हो गया, संबोधन कारक। संबोधन कारक के विभक्तियाँ हैं अरे, अहो, अजी। कारक विभक्तियों को किस तरह याद किया जाता है, देखिए, कर्ता ने कर्मा को कारण से, संप्रदान को के लिए, अपादान अपादान से संबंध का, की के रारी रे, अधिकरण में पर, संबोधन अरे अहो अजी। इस तरह हम छोटी सी कविता की तरह लिखकर इसे हम याद कर सकते हैं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।